नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके एग्जाम में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान हाईकोर्ट परीक्षा के बारे में, जिसमें हम राजस्थान परिचय स्थिति विस्तार एवं मुख्य भौतिक विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आपका राजस्थान का जो टॉपिक है ना, राजस्थान परिचय स्थिति विस्तार मुख्य भौतिक विभाग से संबंधित, मैंने लगभग आपके लिए 350 क्वेश्चन तैयार किए, लगभग 350 मान लीजिए आप। तो अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो मैं आपको रेगुलर इसी टाइप में 25 या 50 क्वेश्चन आपके लिए लगातार लाता रहूँगा। लेकिन आज इससे संबंधित हमारा ये पहला वीडियो है, तो आपको जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं साथ साथ में कमेंट करके आप ज़रूर बता दीजिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आज का हमारा एक नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान प्रांत के लिए सर्वप्रथम राजपुताना नाम किस विद्वान ने किस वर्ष में प्रयोग किया, वो आपको बताना है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में आपको पता है कि इसमें इजी क्वेश्चन भी होंगे, हार्ड क्वेश्चन भी होंगे, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन है। जो ज़्यादा पढ़ते हैं उनके लिए तो इजी है, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए हार्ड होगा। तो आप किसी प्रकार की टेंशन मत ले, मतलब इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम सारे करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसका सही आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही आपका जॉर्ज थॉमस 1800 ईस्वी में, यानी अपना ए ऑप्शन फ्रेंड्स अपना इसमें बिल्कुल सही है। राजस्थान प्रांत के लिए सर्वप्रथम राजपुताना नाम किस विद्वान ने किस वर्ष में प्रयोग किया, जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए। मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन है फ्रेंड्स, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जल्दी से आप बता सकते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, आपका बिल्कुल सही, विलियम फ्रैंकलिन। ठीक है, बी ऑप्शन अपना इसमें राइट रहेगा। फ्रेंड्स, मैं पहले सबसे पहले आपको बता दूं कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया जा सकता है, जल्दी से आप बताएं फ्रेंड्स, राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया जा सकता है, कितने में फ्रेंड्स, 4 विभागों में। ठीक है, यानी सी ऑप्शन अपना इसमें राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान से गुजरती है, निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान से गुजरती है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी है जल्दी से आप बताएं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल सही आप लोगों का बिल्कुल सही है, बी एवं सी दोनों, यानी डी ऑप्शन अपना कर्क रेखा और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, यानी डी ऑप्शन फ्रेंड्स अपना इसमें राइट है। ठीक है, नेक्स्ट अपना, राजस्थान को 7 कमिश्नरी संभागों में विभाजित किया गया, उनके नाम बताइए, 7 संभागों में विभाजित किया गया, कौन कौन से फ्रेंड्स, वो आपको बताना है, जल्दी से आप बता दीजिए, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर और भरतपुर, यानी ए ऑप्शन अपना इसमें राइट है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट है, राजस्थान के कुल कितने जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी न किसी दूसरे राज्य को स्पर्श करती है, वो आपको बताना है फ्रेंड्स, जल्दी से आप बताएं कितने हैं, 23 6 में अपना सी ऑप्शन राइट रहेगा, 23 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी न किसी दूसरे राज्य को स्पर्श करती है, यानी सी ऑप्शन पर इसमें अपना राइट रहेगा, 6 में सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही आप लोगों का, 30 मार्च को, 7 में अपना बी ऑप्शन अपना इसमें राइट है, 30 मार्च को राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पाकिस्तान का निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान की पश्चिम सीमा को नहीं छूता है, ध्यान रखना फ्रेंड्स, पाकिस्तान का कौन सा जिला ऐसा है जो राजस्थान की पश्चिमी सीमा को नहीं छूता है, ये पूछा है फ्रेंड्स। ठीक है, गलत मत कर दीजिए आप, तो कौन सा है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही आपका कराची, जो राजस्थान की पश्चिमी सीमा को नहीं छूता है, सी ऑप्शन अपना इसमें राइट रहेगा, 8 में सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राचीन समय में सिरोही व आबू के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था फ्रेंड्स, ये आरबूद और चंद्रावती, यानी ए एवं बी दोनों ही है, ये आपको याद रखना है, तो 9 में अपना सी ऑप्शन अपना इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मालवा के पठार से लगता हुआ राजस्थान का भौतिक विभाग कौन सा है, मालवा के पठार से लगता हुआ राजस्थान का भौतिक भाग है कौन सा है फ्रेंड्स, जल्दी से आप बताएं कौन सा है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, यानी बी ऑप्शन अपना इसमें राइट रहेगा, 10 में बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है, चंबल व उसकी सहायक नदियों के जल से राज्य का कौन सा भूभाग संचित होता है, चंबल व उसकी सहायक नदियों के जल से राज्य का कौन सा भूभाग संचित होता है फ्रेंड्स, जल्दी से बताएं कौन सा, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, यानी अपना सी ऑप्शन अपना इसमें राइट रहेगा, 10-11 में अपना सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या को कौन सा जिला लगभग एक समान प्रतिशत अंश में रखता है, वो आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
कौन सा फ्रेंड जल्दी से बताइए जिसमें क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या को लगभग समान प्रतिशत में रखता है, कौन सा है वो 12 में, तो डी ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल सही है, सिरोही, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 12 में अपना डी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है, मेवाड़ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेवाड़ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, मलेच्छों से संघर्ष करने वाले, यानी ए ऑप्शन अपना इसमें राइट है, 13 में ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस ओर मालवा का पठार है, राजस्थान के किस ओर मालवा का पठार है फ्रेंड्स, किस ओर, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व की ओर, यानी बी ऑप्शन अपना इसमें राइट रहेगा, 14 में बी ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस भूभाग में भवन निर्माण में प्रयुक्त पट्टी कातले स्टोन आदि बहुतायत से निकलते हैं वो आपको बताना है, तो किस भूभाग में फ्रेंड्स, दक्षिण पूर्वी प्रदेश में, यानी ए ऑप्शन अपना इसमें राइट रहेगा, 15 में ए ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे आप लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जो स्टूडेंट्स चैनल पहली बार विजिट करें वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सामने के बेल आइकन को फ्रेंड्स जरूर दबाएँ जिससे आगे जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आए सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और फ्रेंड्स आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई और टॉपिक क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लगभग मैंने इसके 350 क्वेश्चन तैयार कर लिए, अगर आपको पूरे क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके हिसाब से क्वेश्चन लाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते अपना, राजस्थान का सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान का सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है, क्योंकि क्यों है फ्रेंड्स वो आपको बताना है, क्यों, पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर स्थित होने के कारण आक्रमण की संभावना है, यानी ए ऑप्शन अपना इसमें राइट रहेगा, जिससे अत्यधिक महत्व है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से राज्य का कौन सा शहर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के सबसे पास स्थित है, ये आपको बताना वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आराम से बताना है, तो कौन सा फ्रेंड्स, डूंगरपुर, यानी बी ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है, बालुका मुक्त मरुस्थलीय क्षेत्र जैसे जैसलमेर बाड़मेर का चट्टानी भाग में किस काल की अवसादी चट्टानों का बाहुल्य है, ये आपको बताना है, 18 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन से फ्रेंड, टर्शियरी एरिया प्लेस्टोसिन युग, ठीक है, बी ऑप्शन प्राइस में बिल्कुल सही रहेगा। फ्रेंड्स आपको जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं साथ साथ में कमेंट करके आप जरूर बताते चले, ठीक है। नेक्स्ट है अपना, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कुटों का प्रयोग कर सही उत्तर चूज करना है। फ्रेंड्स आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो आप जल्दी जल्दी पढ़ दीजिए, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें सही बता दीजिए जल्दी से कौन सा रहेगा, 19 नंबर फ्रेंड्स कौन सा रहेगा, बहुत बढ़िया बिल्कुल सही फ्रेंड्स, राज्य के 61.11% भूभाग में भूक्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है, ये आपको ध्यान रखना है, इतने में ही है, ठीक है, यानी अपना एक नंबर ऑप्शन यानी सी, यानी केवल एक नंबर ऑप्शन राइट है, यानी सी ऑप्शन अपना इसमें राइट रहेगा, 19 में अपना सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान के समीपवर्ती राज्यों का निम्न में से वह जिला कौन सा है जो सीधे राजस्थान को नहीं छूता है, 20 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो कौन सा जिला है जो राजस्थान को नहीं छूता है, तो कौन सा है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही आपका भुज, यानी डी ऑप्शन फ्रेंड्स अपना इसमें बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपना, अरावली पर्वत के ढलानों का मुख्यतः किस फसल की खेती की जाती है, अरावली पर्वत के ढलानों पर मुख्यतः किस फसल की खेती की जाती है फ्रेंड्स, मक्का, गेहूं, ज्वार या जौ, 21 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो किसकी, मक्का की, यानी अपना ए और ऑप्शन अपना इसमें राइट रहेगा, 21 में ए ऑप्शन अपना राइट है। फ्रेंड्स मैं जल्द से जल्द पूरी कोशिश करूँगा कि 10 मिनट के अंदर अंदर आपके पूरे 25 क्वेश्चन कवर हो जाए, ठीक है, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। निम्न में से किस जिले में अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है, उदयपुर, जालौर, जयपुर या फिर अलवर, 22 फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या रहेगा, बहुत बढ़िया दोस्तों बिल्कुल सही आपका जालौर, यानी बी ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 23, थार मरुस्थल का विस्तार किन किन राज्यों तक है, थार मरुस्थल का पूछा है फ्रेंड्स ये, थार मरुस्थल का विस्तार किन किन राज्यों तक है फ्रेंड्स, जल्दी से बताएं, ये किस तक है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब व हरियाणा तक, यानी सी ऑप्शन अपना इसमें राइट रहेगा, 23 में फ्रेंड्स सी ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल सही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियाँ क्या कहलाती है, ये आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियाँ फ्रेंड्स ये क्या कहलाती है, 24 वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहलाती है फ्रेंड्स ये, 56 की पहाड़ियाँ भी कहलाती है और नाकोड़ा पर्वत भी कहते हैं इसको, ठीक है, यानी अपना ए बी दोनों सही है, यानी अपना इसमें सी ऑप्शन राइट रहेगा, 24 में अपना सी ऑप्शन बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं अपना,
संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावत प्रदेशों का हिस्सा है वो आपको बताना है। 25 फ्रेंड्स, इसका क्या रहेगा? उत्तरी भारत मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, यानी ए ऑप्शन 25 में अपना ए ऑप्शन राइट रहेगा। देख लीजिए फ्रेंड्स, मैंने 10 मिनट के अंदर अंदर आपको 25 क्वेश्चन कवर कर दिए मैंने। तो अब आपको बताना है कि 25 में से आप कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन आपने कवर किए, वो मुझे कमेंट करके बताना। और फ्रेंड्स से आप अगर कमेंट करके बताते हो तो मुझे अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स, किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो भी आप मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। फ्रेंड्स, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी, आपके व्हाट्सअप में जितने भी स्टडी ग्रुप है प्लीज़ उसमें आप शेयर ना बिल्कुल भी ना मिले। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। फ्रेंड्स, आप ज़्यादा लाइक आते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाने की पूरी कोशिश करते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप नियमों का पालन कर रहे हो लॉकडाउन के। और आपको पता है कि हमने राजस्थान में 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है, तो आप घर पर बैठ कर ऑनलाइन स्टडी करते रहे, अपने बुक्स के द्वारा पढ़ते रहें। और फ्रेंड, आपको कोई स्पेशल वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, ठीक है, जिससे मैं आपके लिए जल्द से जल्द वो वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँ। फ्रेंड्स, आप लगातार बने रहिए, जबकि इतने इसके जितने भी क्वेश्चन हैं 350 क्वेश्चन मैं आपके लिए जल्द से जल्द पूरे करने वाला हूँ, ठीक है। अब आपको हिंदी क्लास भी रेगुलर लगभग एक दो दिन के बाद में लगातार आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो दोस्तों, फिर कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।